अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे व्यूअर्स। तो चलिए आज एक नई रेसिपी की तरफ चलते हैं। नया है मिनी पिज़्ज़ा बनाने के लिए हमने यहाँ 250 ग्राम्स हमने वाइट फ्लावर लिया है। वाइट फ्लावर के बाद 1 टीस्पून ऐड कर देंगे नमक, ईस्ट ऐड करेंगे 10 ग्राम। अब नॉर्मल वाटर से इसे गूंद लेंगे, हम एक सॉफ्ट सी डो तैयार कर लेंगे। चलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम डो को गूंदना स्टार्ट करते हैं। डो को गूंद लिया है हमने, अब एक साफ बॉल में निकाल के इसे कवर करके रखते हैं 1 आवर्स के लिए। प्लास्टिक रैप से डो को कवर करके रख देंगे। यहाँ बोनलेस चिकन लिया है, इसको पीसेस में क्यूब्स में कट कर लेंगे हम। चिकन को हमने इस तरह के छोटे क्यूब्स और पीसेस में कट कर लिया है। अब इसे बाउल में ट्रांसफर कर देते हैं। वन टीस्पून नमक डाल दिया, 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, ऑरिगानो डाले 1/4 टीस्पून, लाल पीसी हुई मिर्ची डालेंगे हम 1/2 टीस्पून, हॉट चिल्ली सॉस डालेंगे हम 1 टेबल स्पून, गार्लिक का फ्लेवर होता है इसमें, बहुत ही टेस्ट डिफरेंट हो जाएगा इसका। 1 टेबल स्पून डालेंगे सोया सॉस, 1/2 टीस्पून डालेंगे विनीगर, वाइट विनीगर, 1.5 टेबल स्पून डालेंगे, 1.5 टेबल स्पून डालेंगे हम चिल्ली सॉस। अब सबको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। 20-25 मिनट्स के लिए इसको मैरिनेशन होने के लिए रख देंगे। 30-35 मिनट्स के लिए चिकन को मैरिनेशन करके रखा था और मैरिनेट हो गई है। अब इसे कुक करने चलते हैं। मीडियम टू लो हीट रखते हुए 2 टेबल स्पून बटर ऐड कर देंगे। बटर मेल्ट हो गया है, चिकन डाल देंगे सारे इसमें। चिकन का जो पानी होगा इसी में ड्राई करके इसे कुक कर लेंगे। 4-6 मिनट्स लगेंगे, 7-8 मिनट्स भी लग सकते हैं। यहाँ पे चिकन बहुत अच्छा कुक हो चुका है, गल भी चुका है। अब निकाल के इसे साइड पे रख देंगे। डो हमारी राइस हो चुकी है बहुत ही अच्छे तरीके से। सारी डो को इकट्ठा करके हम निकाल लेंगे। मैदा छिड़क लेंगे हम। एक पार्ट के हम इस तरह छोटे छोटे पीसेस कर लेंगे। चेडर और मोज़रेला दोनों चीज़ ले लेंगे, इसको ग्रेट कर लेंगे। मिनी पिज़्ज़ा हमने यहाँ पे हाथ की ही मदद से इस तरह किया है। यहाँ पे पिज़्ज़ा सॉस अप्लाई कर देंगे। रेगुलर अनियन जो होती है उसको भी क्यूब्स में कट कर ली है। ब्लैक ऑलिव्स हैं, ग्रीन ऑलिव्स हैं, शिमला मिर्च को हमने लंबाई में काट लिया है, हरी रेगुलर ऑनियन है जिसको हमने लंबाई में काटा है। तो अब लगाते हैं हम छोटे पिज्ज़ा में क्यूब्स वाली कट की हुई ऑनियन, शिमला मिर्च, ब्लैक ऑलिव्स, ग्रीन ऑलिव्स। अब इसी तरह सब बना के बेक कर लेते हैं। चीज़ लगाने के बाद चिकन लगा देंगे। वेजिटेबल्स जो हमने क्यूब्स में कट करके रखी थी वो लगा देंगे।
ब्लैक ऑलिव्स, एक हम ग्रीन ऑलिव्स भी लगा देंगे। अब इसी तरह बाकी भी बना के हम बेक कर लेते हैं। पतीले में बेक करेंगे हम अपने मिनी पिज़्ज़ा, 15 से 20 मिनट के लिए इसे कवर करके रखेंगे, हीट पे रेडी होने के बाद निकाल देंगे। मिनी पिज़्ज़ा बिल्कुल बेक हो चुके हैं, यहाँ पे डिश पे निकाल लेंगे पिज़्ज़ा। चलिए प्यारे व्यूवर्स, हमारे मिनी पिज़्ज़ा बिल्कुल ही बहुत ही अच्छे तरीके से रेडी हो चुके हैं। तो ज़रूर रेसिपी को ट्राई कीजिएगा, एंजॉय करें साथ में टमाटो केचप के साथ। बहुत ही मज़ेदार बना है मिनी पिज़्ज़ास। इसी रेसिपी को फॉलो करते हुए ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसी के साथ इजाज़त चाहती हूँ, अल्लाह हाफ़िज़।